वेलकम बैक गाइज। सो गाइज, पिछली वीडियो में हमने हमारी सिस्टर को फील किया था, हमने ये ट्रैवलर ने, एंड हमें गंदू से कमीशन मिला था ये रुइन में जाने के लिए। उसने कहा था कि ये अभ्यास मिलके कुछ तो प्लानिंग कर रहे बड़ा वाला, एंड मुझे क्या लगता है ये क्वेस्ट हमारी सिस्टर से ही रिलेटेड है, क्योंकि इसका नाम भी देखो, वी विल बी रिटर्न। तो मजा आएगा इस वीडियो में, लगता है हमें हमारी सिस्टर से मुलाकात हो ही जाएगी आखिर इतने महीनों बाद, इतने सालों बाद। सो देखते हैं क्या होता है अंदर, एंड इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स मूव ऑन। तो मैं पहले पार्टी सेटअप बदल दूं अपना। हाँ अब सही है, चलो। अरे क्रायो चाहिए इनके लिए। फिर तो क्रायो लेना पड़ेगा। सो चलो, मैंने काया को ले लिया फिशल की जगह पे, अब सही है। अब है पायरो कैरेक्टर। अरे यहाँ पे भी चेंज कर सकते हम, कोई नहीं चलो। अरे आ गए हम। वैसे हम हमेशा आते रहते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। चलो म्यूजिक तो देखो कैसा बज रहा है। है मुझे लगा जा नहीं पाऊंगा मैं। अच्छा चलो, यप। ओके समझ गए पायमन। अब कहा डोर गार्ड है, कोई नहीं, इनको तो हम ऐसे ही मार देंगे। बूम। अरे अरे अरे, अटैक ही नहीं हो रहा सुक्रोस से। हाँ, मर गए सब लोग। एक ही झटके में मार दिया सबको। चलो आगे चलते हैं। अब फिर से डोर आ गया ये। More signs that a treasure hoarder was here. This should be the right direction. But why does it feel stranger and stranger? ये क्या है? As we make it deeper into these ruins? वही ना, ये बहुत स्ट्रेंजर है। Be careful now. Paimon's right behind you. ठीक है पायमन, तू पीछे ही रह, छुप के मस्त। मैं जाता हूँ आगे। वो नीचे जाना है मुझे। लो लो लो, अरे नो, मर जाऊंगा मैं। अरे ये मर गई। अच्छा चलो खा सकते हैं ना, गलत टाइम पे वहाँ फंस गए थे हम। सो चलो आगे ही चलते हैं अब। क्या होगा है, कटसीन? यप कटसीन। ओए ये क्या है, एंड कौन है वो वहां पे बैठा है? देखो, हेलो, आर यू अलाइव? दिस लुक्स लाइक अ पर्सन। हाँ पर्सन ही है वो। कुड इट बी द ग्रैंड थीफ? क्या पता। Why is he in that position? Is he praying to something? अरे पूछ लेना उससे ही, मुझे क्या पूछ रही पायमन। अरे ये क्या है? That's statue of seven. Yes. Why is the statue of the seven hanging upside down? क्या पता। And the statue's hands, Paimon remembers they're normally holding an orb, right? Yes. But this statue is holding. What is that? कोई तो इलेक्ट्रिक सी चीज लग रही है। Paimon has a really bad feeling about this. Don't worry, Paimon. हम साथ में है ना, कर लेंगे कुछ ना कुछ। The grand thief hasn't moved an inch. Do you think he's? He's dead? No, मुझे नहीं लगता। देखते। Paimon संभल के। अरे ओके मिस्टर। Are you okay, Mister? नो रिएक्शन है पायमन, लात मार उसको एक, फिर जाग जाएगा। हैं सीरियसली? व्हाट अ टेरिबल प्लेस, हाउ डिड ही डाई? लेट्स गेट आउट ऑफ हियर फास्ट, वी शुड रिपोर्ट बैक टू गान्यू एंड लॉन। अरे एक मिनट रुक जा। नाउ व्हाट?
अब कौन आ गया? फ्ली द रुइन मींस ये क्या है? अच्छा यहीं पे जाना है ना मुझे। लोल मेरा ये देखो कितना डैमेज हुआ मुझे। अरे 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 लोल, अरे गया मैं। वो डोर था ना, मुझे भागना है जल्दी से नहीं तो ये चला जाएगा। अरे लेकिन ये भी तो दिक्कत है ना। शिट, यस यस यस, जल्दी से ऐसे ही चलते रहे हम तो पहुंच जाएंगे। अरे यार लास्ट में नो, अरे एक ही तो रह गया था, फिर से करेंगे। अरे मेरे सारे कैरेक्टर मरे पड़े हैं, मैं खिला देता हूँ कुछ। यार मैंने मेन कचिंग को ही नहीं खिलाया। चलो, अरे ये तो सही है, नहीं ये सही नहीं है। आ गया मैं, यस जल्दी से डोर खुल जा। लकीस्ट एडवेंचरर को देते। ओए ये कौन है? हाँ? You cannot spy on the secrets of the abyss. Who are you? ये बता पहले। You have come here. You have seen our secrets. हाँ? For this, you must pay the price. और वो क्या है? जल्दी से बता। As a herald, I will mete out your punishment. Herald? An abyss herald? हाँ वही जो वो बोल रहा था। The one Dan spoke of, yes. Dainsleith. Yes. Oh, I thought you were just a couple of pests that stumbled in here by mistake. So, you are with Dainsleith, that constant annoyance in our affairs. लगता है बहुत पुराना नाता है इनका। Did he send you here to die? नहीं। His resistance against the abyss has gone nowhere for a long time. There is nothing you can do to change the tide. हाँ? अरे हम कर सकते हैं। It's okay. The abyss is unstoppable. Yes, we are also. What is this power? I have never seen it before. Careful, please don't get cocky. Okay, I'm careful. अरे 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 वेट वेट। हमें ज्यादा पास जाना ही नहीं है। लोल वैसे डैमेज तो हो रहा है इसको, नहीं बच के। अरे यार भाई बिना एक बार कचिंग की पावर आ जाए ये सही है। एवरीबॉडी स्टैंड बैक। अरे कचिंग कचिंग आ जा, यस। नो नो मरियो मत। अरे वहाँ पे पावर जा रही है, ये सही है। अरे ये तो इजी है, अब इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। वैसे मुझे हाँ ये रिएक्शन करनी थी उस पे। अरे लोल फिर भी डैमेज कर रही है। काया आजा, क्यों नहीं रिएक्शन? आई वांट डच दिस, डोंट पुश योर लक। कूल इट। अरे मुझे लगा मुश्किल होगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। एब्जॉर्प्शन टेस्ट। अरे कोई नहीं, कट टू द चेस। गई आधी हेल्थ गई। आजा आजा। That's gonna hurt in the morning. अरे मुझे लगा ये आया। Teamwork is dream work. This moment will be frozen. Don't blink. Got lucky that time. Speed of light. ये इतना पावरफुल भी नहीं है लोल।
his power? It seems familiar. कैसे कौन है तू जल्दी से बता. I see. So it's you. हाँ? You are the one. कौन? मैं कौन हूँ? मुझे बता जल्दी से. I shall stay here no longer. अरे ये तो डर के भाग गया. ये सही है. What a tough battle. Are you okay? Yes. अरे ये इसको टफ बोलते हैं. इससे टफ तो हमारा चाइल्ड ले था. Such a strong enemy. Who knew the Abyss Order had monsters this powerful among them? It seemed to know me. हाँ, वो मुझे जानता था. What is it? What are you thinking about? Nothing. Let's just go out of here. Oh, right. Yeah. We're near the exit now. Okay. Let's get out of this scary place before something even more dangerous shows up. Okay, चलो. The traveler and Paimon swiftly leave this ruin. ओके आगे बढ़ो अब यही पे अटके है. अरे डैन लिव आई मीन डैंस लिव अ लिटिल सूनर देन आई हैड एक्सपेक्टेड. हम बहुत तेज है. हे इट्स डैन. यस जजिंग बाय योर एक्सप्रेशन इट सीम्स यू जस्ट एक्सपीरियंस्ड समथिंग क्वाइट स्ट्रेंज. यस वो मुझे जानता था. कुड इट बी दैट यू एनकाउंटर्ड एन अबिस हेरल्ड इन दोस रुइंस. यस हाउ डिड यू नो दैट. इसको सब पता होता है लगता है. I've been on the Abyss Herald's trail. I didn't expect to find you here as well. हाँ कैसे? Actually, the Abyss Herald was not all we encountered. Yup, there was something even strange than the Abyss Herald in the ruins. हाँ वो मुझे जानता था. And मुझे भाग गया देख के. An inverted statue of the Seven. अरे हाँ वो भी थे. Holding abyssal power in its hands. Yup. No, I have never seen such a thing during my time fighting the Abyss. Though I have had my suspicions. Yeah. Tell me the rest of what happened in there. So you escaped the ruin depths filled with abyssal power, and then? हमें हेरल्ड दिखा और क्या? And then, as we got close to the exit, an Abyss Herald suddenly appeared and yes. blocked our way. We fought a big battle with that thing. Maybe it hasn't gotten too far yet. Yes. This is a rare opportunity indeed. Huh? Come, let's catch up to it. Yes, sir. No, wait. I thought I was the only who commissioned you. Nay, yes, sir. Chalo. Let's go. A rare opportunity with Dane helping out. Yes. Maybe we'll be able to solve more mysteries about the Abyss. Yep. Chalo. Wo Harold bhi dance slip ko janta tha. Ye kahan chala gaya ab? ये इधर उधर घूमता रहता है. चलो यहाँ पे चलते. ओके सो डांस लिप से अपॉर्चुनिटी मिली है हमें. अब क्या इसको मारना पड़ेगा? अकाच अरे गलती हो गई. वेट रुक जाओ. अरे ये तो कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहे हैं मुझे. अच्छा दो है वही सोच रहे हैं. लो और मेरी हेल्थ. Cut to the chase. Don't speak. Hello. इन्होंने कच्चे को मार ही दिया सीधा. एक मिनट मैं पहले ये इनको मार देता हूँ. ओके नाउ ये डेंजरस है. फ्रीज. गो इन. लेट्स लाइट इट अप. इनकमिंग. डॉज दिस. ओके इनके शील्ड गई ना. अब इजी है थोड़ा. वो दूसरा कहाँ गया?
हाँ शील्ड बना ली कोई नहीं। This moment will be frozen. Sheet of light. Nowhere to hide. ये अटैक करते टाइम भी मारता है। कहाँ गया ये यहाँ पे? चलो सही है। ये डांस स्लिप क्या देखता रहता है कि सिर्फ Were they trying to ambush us? क्या पता? उनको ही पता अब। No. They were just digging through these abandoned ruin guards looking for something of value. हाँ? क्यों? Digging करके क्या मिलेगा इनको? Oh, is that so? The traveler here seems to like doing that a lot too. Looking for chaos devices, yes. chaos circuits, you know, that kind of stuff. Yep, those are important material. अबिस मेजेस प्रोबेबली वाजंट लुकिंग फॉर स्टफ लाइक दैट। अरे हाँ ये भी है, वो लेके ये क्या करेंगे? दे वुडंट बी सर्चिंग फॉर सच ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स। हम देखते हैं ना। इन फैक्ट आई वाज नियरबाय इन्वेस्टिगेटिंग प्रिसाइसली बिकॉज़ अबिस मेजेस ऑफन कम आउट फ्रॉम दैट रुइन टू एक्सप्लोर। ओ दे सीम टू बी सर्चिंग द रिमेन्स ऑफ रुइन गार्ड्स फॉर अ सर्टेन वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट टू टेक बैक टू द रुइन्स। ऐसा क्या होता है रुइन गार्ड्स के पास? However, they look disappointed, so it would seem they haven't found it yet. ये सही है, कुछ मिला नहीं उनको। Well then, why didn't you grab one of them just now and ask what they were up to? Yeah, Master Dilog has done that before. अरे हाँ, you should be rougher with them. नहीं। I certainly don't mean to be merciful towards these monsters of the abyss. हाँ? But I have a feeling that their plan with this object is of major importance to the entire Abyss Order. अच्छा, ये कुछ बड़ा प्लानिंग कर रहे हैं इस बार लगता है। One cannot discover the truth behind it through interrogation. Or rather, these Abyss Mages likely fear something else, much more than they do a painful interrogation. Fear? कैसा fear? Paimon is getting goosebumps thinking about all this. अरे यस पायमन मुझे भी। All right, we shouldn't waste Actually, too much time here. Let's continue our search. ओके ठीक है चलो। अब कहाँ पे? ये डैन हमें यहाँ का वहाँ घुमा रहा है सिर्फ। नहीं एक्चुअली काम भी कर रहे हैं हम लोग। ओके सो ये वहाँ गया है। एंड वहाँ पे कोई टेलीपोर्टर भी नहीं है इसलिए चल के जाना पड़ेगा। अरे यहाँ कहाँ चला गया डैन? डांस लिफ आई मीन। यहाँ पे आया था कि मैं कभी? लगता तो नहीं। अरे और एक अबेस। कूल इट। स्पीड ऑफ लाइट। कट। कट। कट टू द चेस। अरे दो आ जाते। अरे इतने सारे आ गए एक ही साथ। No. Teamwork is strength. Animal hypostasis emulation. Animal test 6308. Let's light it up. Don't get lucky that time. Don't blink. अरे ये परेशान कर रहे हैं मुझे। ओके कौन मर गए कौन जिंदा है? इसने शील्ड बना ली। Dodge this. Don't get frostbite. कहा गया? Everybody stand पहले इसी को फिनिश करते। लोल अच्छा ये जिंदा ही है ना। अरे मैंने सुक्रोस को भी नहीं लिया। Stand clear.
ढोल ये तो मार रहा है बहुत। अरे रुक जा। एक अच्छा ये किया ना इसने। अरे मेरे पे आर्चर नहीं है, रुक जा यार मैं आर्चर लेना भूल गया। नहीं ऐसा ऐसा नहीं होगा इस पे अटैक। नो शिट, I'm sorry, sucrose. What's that? इसका करूँ क्या मैं? ओके मार तू मार। लोल वो मार रहा है मुझे और मैं यहीं पे खड़ा हूँ। चलो कब तक छुपा रहूंगा, लेकिन इसका ये भी तो खत्म नहीं हो रहा। अरे हो गया। I'm going in. Let's light it up. Incoming. इसकी आग कैसे फोड़ू मैं? गया बस, इसकी थोड़ी हेल्थ बची है अभी। गया गया गया, यस। ये दूर से निशाने पेल रहा है और ये अलग। ये ले। वैसे मैंने हेल्थ बढ़ाने के लिए किया। अरे अच्छा वही बोलो, ये पत्थर को कैसे डैमेज हो रहा है? टॉक टू डांस लीव। And tank kar diya hame. Seems wherever we find an abyss mage hideout, there's often a bunch of ruin guards roaming around too. Is that just a coincidence? Or pata nahi hame. Ja ke dekhte. There are no coincidences in the world. Everything is the fruit of seeds planted long ago. Acha, aisa kya kiya unhone? Just like your appearance in that tavern. Time is just waiting for those seeds to sprout. But I only heard about you by chance. I don't really understand. Yes, kuch nahi samjha main. Forget it. Just some needless musings. Huh? Kya? The connection between the Abyss Order and the Ruin Guards is by no means incidental. So, planned hai kya ye sab kuch? Rather, they are both branches that have grown out and up from the same roots below. And वो roots क्या है अब? ये भी बता दे। Branches. Roots. Yep. What do you mean exactly? ये dance slip क्या बोलता रहता है? Both originate from an ancient nation that was destroyed 500 years ago, Khanria. Okay. Huh? Khanria. ये कौन सा region है अब? Really? The Abyss Order and Ruin Guards are left over from after the destruction of that nation? Speaking of Khanria, that's really a super ancient name. Yes. Oh, right. As your guide, Paimon should explain a bit here. A long time ago, the nation of Khanria was... I know about Khanria. नहीं पता मुझे. Because I have memory of Khanria. कैसी memories? You have memories of being there?
But that nation was destroyed 500 years ago. मैं इतना पुराना हूँ? Is that so? Well, everyone has their secrets. Yes. You did not pry into mine, so I shall not pry into yours. अच्छा ठीक है. But if you would like to tell me, I will listen. So, the Kanria you saw, what was it like? Well, I can't hide it from him any longer. Dane and Kanria, it's worth a shot. The person who woke up me and that sea of flame. अरे क्या क्या बताऊँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे. चलो ये कर लेते हैं. I can't hide. Traveler about flame. Okay, ठीक है समझ गए. So that's the complete story, huh? I even thought that you ran into that unknown god first. Nahi. I see. So your first memory after coming to this world was being awoken by your sister from within that meteorite. Yep, aisa hi kuch. It seems your sister woke up first. But the question is, how long before you? Yes. अरे मैं बहुत एंशियंट हूँ पता है क्या? And then your sister told you that the destruction of Kanria plunged the whole world into chaos, and that you two should leave this world called Teyvat? Yep, ऐसा ही कुछ. The destruction of Kanria? She said that? Correct. That was I heard at that time. Yep. The destruction you witnessed, that's history from 500 years ago. Oh, मैं इतना पुराना हूँ means? क्या पता? It seems the first time you awoke in this world was indeed during that period. Huh? So your sister must have understood this world better than you did because she woke up first. Yes, meri sister mere se zyada hoshiyar hai. And it was shortly after that that you encountered an unknown god who blocked your path, so you couldn't escape. Ha ha ha, aisa hi hua tha. Are ha, hum bhag kya rahe the na? Yahi hoga wo. Really well. Yes, हमने पायमन को ही बताया था सबसे पहले. I understand. When you awoke at that time and hurriedly tried to leave for another world, you didn't know anything about Kanria. नहीं. But now, since you have come to gain some understanding of Teyvat, you are able to guess that the war you witnessed all those years ago must be the war that ended Kanria. Am I right? हाँ बिल्कुल ऐसे ही सोच रहे हम. Ah, if that's the case, you must have been flipping through all sorts of books during our adventure these past few months. Before going to Mondstadt, you had just looked at some vague materials. Later, we managed to gather a whole bunch of old books from all around Mondstadt and Liyue, but you told Paimon they were useless. So, the whole time you were just trying to learn more about Kanria, so you could find your sister? Yes, Paimon. Yahi karta tha bhai. It's the second most promising lead after looking for the seven, yes. Oh, yeah. You can travel around the seven nations to find the seven. But where can you go to find the nation that was destroyed 500 years ago? Are kya bolu Paimon ab main? I probably know more about Kanria than both of you. ओरे ये वही से है क्या? Kanria was a nation without a god, not because it had a god that died or abandoned them, but because it never had a god to begin with. अच्छा. It was a powerful nation built purely by humans, an unprecedented flourishing and glorious civilization. It was the pride of humankind. ये तो सही था फिर. A nation without a god. Yep. Later events unfolded just as you remember. It was all destroyed. By gods. Arey gods kon the? Unknown gods. You mean that 500 years ago the gods descended upon the world and brought desolation to Kanria. Acha, to ye wahi se hai kya? The pride of humankind was uprooted and crushed. Like a weed removed from the garden of the gods. God jalte the kya Kanria se? How could that be? The history books don't say anything about that. That's horrible. What a dangerous word. I need to hurry up and find my sister. Yes. Yes. Well,
Continuing to discuss the past now will only dampen our spirits. But the next time I see Venti or Zhongli, अरे हाँ वो भी तो गॉड ही है ना. आई नीड टू हियर वॉट एक्सप्लेनेशन द गॉड्स हैव देयर एक्शन फॉर देयर एक्शन आई मीन. यप उन्हीं से पूछते हैं. Let's keep moving. I will tell you more of what you want to know as we continue our search. Okay, Dancelief. Thank you so much. Look for the traces of Abyss Order. अरे तो ये Dancelief के कहने के मुताबिक ये जो Venti, Zhongli, ये जो गॉड्स है ना, इन्होंने उसको बर्बाद कर दिया कैंड्रियास को. एंड ऐसा लग रहा है कि हम भी कैंड्रियास से ही है. आई मीन जब हम वोकअप हुए थे ना तो अरे स्टोरी सुनी ना, मैं इसी के बारे में बात कर रहा था. सो पता नहीं हमें ये सब होने के बाद गॉड से भी फाइट करनी पड़े या नहीं. लग तो ऐसे ही रहा है. सो देखेंगे अगली वीडियो में. एंड मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए बाय.